investigates. 9X ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ। इंस्पेक्टर साहब नूं साडा हक गाना खूब पसंद आया सी। उन्होंने जानना सी कि रणबीर अपने हक दे लई की कर सकते हैं। देखिए जो एक गाने का सिचुएशन है वो एक इट्स रिफ्लेक्शन टू द सोसाइटी के यू नो सही क्या है गलत क्या है ये हमेशा सोसाइटी हमें कहती है। ऐसी नहीं कि हम नहीं जानते हैं यू नो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें कहे कि हम कैसे अपनी लाइफ को जिए। तो जहाँ हक का सवाल है ऐसे नहीं कि वो बेमतलब सिर्फ एक रिबेल के तरीके अपना हक मांग रहे हैं। जो फिल्म की कहानी है जिस पॉइंट पर ये गाना आता है ये एक स्विच एक चेंज ओवर है किरदार में कि कैसे बदलता है और कैसे एक एंगर एक जो एंग्स्ट होता है एक संगीतकार के लाइफ में वो कैसे बाहर आता है इस गाने के जरिए। तो ये था सड्डा हक एथेरक का इंटरप्रिटेशन। द इंडिया दे रॉक कल्चर दे बारे विच रणबीर की सोचते हैं। हिंदुस्तान में पहले तो एक रॉक स्टार का नॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ रॉक स्टार्स नहीं होते। तो हमने कोशिश की हम एक ओरिजिनल रॉक स्टार क्रिएट करें इस फिल्म में। जो सिचुएशंस है कैसा रॉक स्टार बनता है कैसा उसका पहनावा है उसके जो लुक्स हैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं थे। हमने दिल्ली से कई अंडरग्राउंड बैंड्स यूज़ की हमारे फिल्म में। वो हमारे साथ एक्टिंग भी किया उन्होंने जो मेरे साथ सड्डा हक एथेरक में गाते हैं गिटार बजाते ड्रम्स प्ले करते दे ऑल आर फ्रॉम प्योर बैंड्स। तो बहुत ही ओरिजिनल है। ऐसे नहीं कि वो भी इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न म्यूज़िक से। आई थिंक वो अपनी जो पर्सनैलिटी है वो खुद रिफ्लेक्ट करे अपने म्यूजिक के जरिए। Nine Extension.